Good morning, students. Today is 6th of April 2020. I am Mohit Sharma, the economics teacher of your ward in class 12th. So today's topic is money. Ye topic hamara second unit ka 5th chapter hai. Let us discuss what we will study in this chapter. The first topic is barter system. The second topic is limitation of barter system. Third topic is definition of money. Fourth topic is function of money. Fifth topic is money supply and sixth topic is component of money supply. It's about barter system. What is barter system? It is also known as CC economy. It means the economy where commodity is exchanged with another commodity is called barter system. For example, पहले के टाइम में जब हमारे पास पैसा नहीं होता था, उस टाइम पर एक्सचेंज कैसे होता था? सामान का आदान प्रदान, सेल परचेज कैसे कंडक्ट होती थी? उस टाइम में हमारे पैसे का यूज ना हो करके कमोडिटी के बदले में ही दूसरी कमोडिटी का यूज किया जाता था. फॉर एग्जांपल, अगर किसी को चावल लेना है और उसके पास गेहूं है, और किसी को गेहूं लेना है और उसके पास चावल है, तो आपस में गेहूं और चावल को एक्सचेंज कर लेते थे. इसको हम बार्टर सिस्टम कहते थे एंड इट इज आल्सो नोन एज सीसी इकोनॉमी. इसको हम सीसी इकोनॉमी भी बोलते हैं. तो सबसे पहले ये बार्टर सिस्टम था कि बार्टर सिस्टम को कहते क्या है. दूसरा आता है इसकी लिमिटेशन क्या है. सबसे मेन चीज आपको जो पढ़नी है वो ये पढ़नी है, बार्टर सिस्टम इज ओनली एग्जिस्ट where there is double coincidence of want. Now what is double coincidence of want? Simultaneously fulfillment of both the want of buyer and seller. Buyer और seller की एक साथ उनकी want की पूर्ति होना ही हमारा double coincidence of want होता है. It means जिसको चावल चाहिए थे उसके पास गेहूं थे, जिसको गेहूं चाहिए थे उसके पास चावल थे. जब दोनों ने कमोडिटी को एक्सचेंज किया तो दोनों की ही वांट साइमल्टेनियसली क्या हो गई, फुलफिल हो गई. तो इसी को हम बार्टर सिस्टम कहते हैं. अब इसकी लिमिटेशन पढ़ते हैं. तो जैसा हमने सबसे पहले पढ़ा डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, ऐसे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट मिलना बहुत ही मुश्किल होता था. लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, ये हमारी पहली लिमिटेशन है. इसका मतलब क्या होता है कि ऐसे यहां पर सर्च कॉस्ट अराइज हो जाती है. व्हाट इज सर्च कॉस्ट? अब मुझे, अगर मेरे पास चावल है और मुझे गेहूं चाहिए, तो मेरे को ऐसे बंदे को ढूंढना पड़ेगा जो चावल खरीद रहा है और गेहूं बेच रहा है. तो ऐसे बंदे को ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाता था. तो ये पहली लिमिटेशन अराइज हो जाती थी, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट. दूसरी लिमिटेशन थी लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू. आज के टाइम में आप अपने पास इमेजिन करिए कि जितनी भी सारी चीजें हैं आप उसको किस में मेजर कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ मनी. आप पैसे में उसको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. लेकिन पहले ऐसा नहीं था. आप किस तरीके से बताओगे कि भाई जो आपके पास या आपके घर पे फर्नीचर है वो कितने किलो चावल का है, ठीक है ना, या कितने किलो चावल के बदले में हम उसको फर्नीचर को बेच सकते हैं. तो इस तरीके से एक्सचेंज रेशियो फाइंड आउट करना बहुत ही मुश्किल था. लेकिन ये बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी इस लिमिटेशन को रिमूव किया गया. लेकिन जब बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट करता था, ये हमारी सेकेंड हमारी लिमिटेशन बनती थी, लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू. हमारी तीसरी लिमिटेशन बनती थी लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू. आप पैसे को इजिली पॉकेट में, अगर आपका 2000 का नोट है तो इजिली आप उसको पोर्टेबल होता है रख सकते हो. लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि 2000 का अनाज रखो, तो इट रिक्वायर्स स्पेस, टाइम, एफर्ट्स, और उसकी ड्यूरेबिलिटी भी होती है, वो जल्दी खराब हो जाता है. पैसा खराब नहीं होता लेकिन गुड्स खराब हो जाते हैं. तो ये हमारी तीसरी लिमिटेशन बनती थी लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू. मतलब हम उसको ज्यादा स्टोर करके, ज्यादा टाइम तक स्टोर करके नहीं रख सकते. हमारी चौथी लिमिटेशन है लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट. इट मींस फ्यूचर की जो ट्रांजेक्शंस हैं वो पॉसिबल नहीं हो पाती थी. फॉर एग्जांपल, जिस किस स्पेसिफिक कमोडिटी का यूज किया जाए रीपेमेंट के लिए. अगर मैं किसी को उधार दे रहा हूं तो किस पैसे, उधार में अनाज के टर्म में दूंगा क्योंकि पैसा तो उस टाइम पे था नहीं, तो किस स्पेसिफिक कमोडिटी का यूज किया जाए रीपेमेंट के लिए, उस पर कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता था. उसके बाद जो बोरोवर होता था, जिसने उधार लिया, एग्जैक्टली सेम क्वालिटी ऑफ गुड्स को अरेंज नहीं कर पाता था. तो इन कारणों से जो फ्यूचर की ट्रांजेक्शन थी वो नहीं हो पाती थी. ये टॉपिक है हमारा लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम. उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है डेफिनेशन ऑफ मनी. बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी सो मेनी लिमिटेशन इज रिमूव्ड.
किसके इंट्रोडक्शन की वजह से? मनी के इंट्रोडक्शन की वजह से। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज मनी। मनी इज एनीथिंग व्हिच इज जनरली एक्सेप्टेबल। जनरली एक्सेप्टेबल इट मींस हर कोई बंदा पैसे को एक्सेप्ट करने को तैयार है। अगर मैंने किसी से उधार लिया और मैं उसको फ्यूचर में जाके कैश दे रहा हूं या बैंक में उसका पैसा ट्रांसफर कर रहा हूं तो वो हां बोल देगा कि कर दो। लेकिन अगर मैं उसके पास 2 किलो या 5 किलो या 10 किलो या 2 बोरी अनाज लेकर जाऊं तो उस बंदे के ऊपर डिपेंड हो जाएगा कि उस चीज को एक्सेप्ट करे या ना करे। तो मनी एक ऐसी चीज है जिसको हर कोई बंदा क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। सो मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। ये हमारी मनी की डेफिनेशन होती है। और इस मनी की डेफिनेशन में चारों जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंक्शन ऑफ मनी, ये चारों फंक्शन इसी में ही आ रहे हैं। तो सबसे पहला फंक्शन आता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आज के टाइम में आपकी अगर पॉकेट में पैसा है, आप दुकान पर जाते हो, पैसा देते हो, सामान खरीद के ले आते हो, सिंपल ट्रांजेक्शन का मीडियम है ना। तो बेसिकली ये ट्रांजेक्शन का मीडियम होता है कि जिसकी जिससे सेल और परचेज इंडिपेंडेंट हो गई है। आज मुझे ये नहीं सोचना पड़ेगा कि जिसके पास गेहूं है वो और मेरे पास चावल है और मुझे गेहूं चाहिए तो मुझे ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जो गेहूं दे रहा है और चावल ले रहा है। तो ये परचेज एंड सेल यहां पर मनी के इंट्रोडक्शन की वजह से इंडिपेंडेंट हो गई है। तो ये है मीडियम ऑफ एक्सचेंज कि पैसे की वजह से सेल एंड परचेज इंडिपेंडेंट नेचर की हो गई है। तो ये पहला फंक्शन है। दूसरा फंक्शन है मेजर ऑफ वैल्यू। लिमिटेशन में हमने पढ़ा था लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू, मतलब हम इजिली कन्वर्ट एक्सचेंज रेशियो डिटरमाइन नहीं कर सकते थे। बट नाउ बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी वी कैन इजिली मेजर द वैल्यू ऑफ ईच आइटम, ईच गुड्स एंड सर्विसेज। आप किसी भी दुकान में जाओ, आप अपने आसपास कोई भी चीज देखो, आप उसको पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर मैं ये मार्कर बोलू, ये मार्कर 20 रुपए का है, तो मैं इजिली इसकी वैल्यू लगा दी। आज के टाइम में हर कमोडिटी की आप वैल्यू लगा सकते हो। प्रॉपर्टी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, लेबर को सर्विसेज की वैल्यू लगा सकते हो, या किसी भी चीज की, कोई भी मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज बिक रहा है, तो उसकी एक्सचेंज रेशियो डिटरमाइन करना बहुत ही आसान हो गया है बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी। तो ये हमारा है मेजर ऑफ वैल्यू। और इसी पैसे की वजह से ही हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। सोच कर देखो कि अगर पैसा नहीं है तो क्या बैंक होंगे? नहीं। बैंक के एग्जिस्टेंस का कारण ही क्या है? मनी। ठीक है, तो ये हमारा आता है मेजर ऑफ वैल्यू। तीसरा फंक्शन आता है हमारा स्टोर ऑफ वैल्यू। इट मींस मनी इज पोर्टेबल, आप इजिली कम स्पेस में ज्यादा से ज्यादा पैसे को स्टोर करके रख सकते हो। और इसकी ड्यूरेबिलिटी पर क्वेश्चन मार्क अराइज होता ही नहीं है, क्योंकि पैसा कभी तक भी अगर आपने आज स्टोर करके रखा तो आप फ्यूचर में उसका यूज कर सकते हो। अगर गुड्स के केस में, बार्टर सिस्टम के केस में क्या था कि आप उसकी ड्यूरेबिलिटी नेचर था, वो जल्दी खराब हो जाता था और इट रिक्वायर स्पेस एंड एफर्ट। ऐसा केस मनी में नहीं है, तो हम इजिली इसको क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। अपना फोर्थ फंक्शन जो है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, इट मींस फ्यूचर की ट्रांजेक्शन को करना या फ्यूचर की ट्रांजेक्शन किस तरीके से बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी हो पा रही है। इट सिंप्लीफाई द फंक्शन ऑफ बोरोइंग एंड लैंडिंग, मतलब उधार देना और उधार लेना दोनों ही को इसने क्या कर दिया है, आसान कर दिया है। अगर पैसा नहीं होता तो हम कमोडिटी का यूज करते और कॉन्फ्लिक्ट के रीजन जो मैंने अभी बताए वो अराइज हो जाते। लेकिन बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट का रीजन नहीं होता। हम पैसा देते हैं उधार पर और उस पर इंटरेस्ट लगाते हैं और प्रिंसिपल अमाउंट के साथ विद इंटरेस्ट जो भी हमारा बोरोवर है वो फ्यूचर में आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम वो पैसा वापस दे देगा। तो ये हमारा स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट है जो किसका फंक्शन है, मनी का। अब हमारा फिफ्थ टॉपिक आता है जो कौन सा है, मनी सप्लाई। व्हाट इज मनी सप्लाई? मनी सप्लाई रेफर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड आता है पब्लिक। पब्लिक इंक्लूड टू सेक्टर्स, हाउसहोल्ड एंड फर्म। हाउसहोल्ड कौन, हम सब, और फर्म कौन, बिजनेस सेक्टर, जितने भी हमारे बिजनेसेस है। हम सबके पास जितना भी पैसा है, पैसा इन द सेंस जो कैश है बैंक में है, इसके अभी हम कंपोनेंट पढ़ेंगे, वो पैसा है वो किसके पास होना चाहिए, पब्लिक। पब्लिक स्टैंड फॉर
two things, two sectors, that is household and business firm. It does not include government and banking sector, because government and banking sector paise ko create karte hain, aur business aur firm aur hum household, hum paise ko kya karte hain, consume karte hain, use karte hain. We are money using sector, they are money creating sector. And money supply में money using sector को include किया जाता है, ना कि money creating sector को. फिर आता है money supply refer to total volume of money held by public at a particular point of time. Point of time आते ही आपको समझ जाना चाहिए ये कौन सा concept है, stock concept. मतलब कि static, एक बार में at a point of time आपके पास कितना पैसा है, तो उसको बोलते हैं money supply. फिर उसके बाद आता है कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई. व्हाट आर कंपो, चार कंपोनेंट होते हैं इसके, M1, M2, M3, M4. सबसे पहले M1. M1 में तीन चीजें इंक्लूड होती है, करेंसी एंड कॉइन विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक एंड अदर डिपॉजिट विद RBI. तो सबसे पहला आता है करेंसी एंड कॉइन विद पब्लिक. क्या होता है ये, होता है कि जो हमारे पास हाउस होल्ड और बिजनेस फर्म के पास कैश है, कैश हो गया, या फिर इसको हम फिएट मनी भी बोलते हैं. फिएट मनी मतलब होता है ऑर्डर्ड बाय गवर्नमेंट, मतलब इस पैसे को, इस कागज को ऑर्डर दिया है गवर्नमेंट ने कि ये इतने रुपए का अपना मत रखता है, कि इतने रुपए का ये पैसा चल सकता है. जैसे अगर 100 रुपए का नोट है, उस पर एक लाइन लिखी होती है, मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं. इट मीन्स जो धारक होता है, जो बेयरर होता है, जिसके पास 100 रुपए का नोट है, वो 100 रुपए तक का सामान किसी भी जगह से ले सकता है. उसके बाद दूसरा आता है हमारा कौन सा, डिमांड एंड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक. इट मींस जो पैसा हमारे बैंकों में है, और बाय इशूइंग चेक हम उसको क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं. और तीसरा आता है हमारा अदर डिपॉजिट विद RBI. हमारे देश की गवर्नमेंट और बैंकिंग सेक्टर को छोड़कर जो भी है दूसरे फॉरेन कंट्रीज का रिजर्व जो RBI के पास रखा है, उसको भी इसमें इंक्लूड किया जाता है. उसके बाद आता है M2. M2 इंक्लूड M1 प्लस में सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक. इट मींस FD भी इसमें इंक्लूड हो जाती है. तीन कंपोनेंट तो है, डिमांड क्या नाम है, करेंसी एंड कॉइन विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, अदर डिपॉजिट विद RBI, प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक. ये हमारी होती है FD, जिसको हम चेक को इश्यू करके विड्रॉ नहीं कर सकते, उसको भी मनी सप्लाई में इंक्लूड किया जाता है. उसके बाद आता है M3. M3 इज इक्वल टू M1 प्लस में नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक, कि बैंक के पास जितना पैसा आ रहा है और बैंक कितना पैसा उधार दे रहा है, उसका नेट अमाउंट इसमें इंक्लूड होता है. और चौथा आता है हमारा M4. M4 इज इक्वल टू M3 प्लस में टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, कि बैंकों के पास जितना भी डिपॉजिट है किसी भी शेप में, चाहे वो करंट अकाउंट हो, सेविंग अकाउंट हो, फिक्स डिपॉजिट हो, LIC हो, कोई भी चीज का टोटल जो भी डिपॉजिट है, वो इसमें M4 में हमारा इंक्लूड होता है. उसके बाद इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो M1 और M2 है वो नैरो स्कोप ऑफ मनी सप्लाई है, और M3 और M4 ब्रॉड स्कोप ऑफ मनी सप्लाई है. वाइडली यूज होता है हमारा M3. वाइडली यूज कौन सा होता है हमारा, M3. M1 सबसे छोटा कंपोनेंट है, M4 सबसे बड़ा कंपोनेंट है. ये हमारा यहां पर चैप्टर खत्म होता है. इसके अलावा सिर्फ एक छोटी सी बात आपको याद रखनी है, जो पावर बूस्टर से भी रिलेट करती है, कि जैसे प्लास्टिक मनी क्या होता है, आज के टाइम में आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यूज करते हैं, तो उसको हम प्लास्टिक मनी बोलते हैं. ये छोटे लीगल टेंडर मनी, इसका क्या मतलब होता है, लीगल टेंडर मनी मतलब होता है कि जो एक्सेप्टेबल है हमारी इकोनॉमी में, ठीक है, जिसको हम पे करके कोई भी सामान खरीद सकते हैं. इसके दो पार्ट होते हैं, लिमिटेड लीगल टेंडर मनी, अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी. लिमिटेड में आता है कॉइन्स. कॉइन्स क्या होते हैं भाई, सिक्के. अब सिक्के की एक लिमिट होती है, कि आप दुकान पे ऐसा तो है नहीं कि बोरी भर के सिक्के ले जाओ और बोलो कि ये सामान दे दो, ऐसा नहीं है. सिक्के कुछ लिमिट तक हमारे एक्सेप्टेबल होते हैं, उसके बाद दुकान वाला मना कर देगा. और अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी होते हैं नोट्स और चेक, जिसको आप कितना भी पे कर सकते हो, हर कोई बंदा एक्सेप्ट करने को तैयार है. और इस बात का ध्यान रखना, जो एक रुपए का नोट है और सिक्के हैं, उसको कौन छापता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और बाकी अदर करेंसी को कौन छापता है, RBI. ठीक है, इसी के साथ ही हमारा चैप्टर खत्म होता है. अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स बताता हूं, जैसे कि MyCBSE गाइड, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, वहां से आप क्वेश्चन बैंक डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आप रेफर कर सकते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को.
उसके बाद आपका होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क है सबसे पहले आपको बार्टर सिस्टम की डेफिनेशन लिखनी है, उसके लिमिटेशंस लिखनी है, मनी की डेफिनेशन लिखनी है, उसके फंक्शंस लिखने हैं और मनी सप्लाई के कंपोनेंट्स लिखकर उनको याद करना है। ये आपका होमवर्क है। तो इस चैप्टर में अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप लिख कर रख सकते हैं और बाद में मुझे पूछ सकते हैं, वो सारे डाउट मैं आपको क्लियर करूंगा। इस चैप्टर से मेनली आपका 3-4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है या 6 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है या 1 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आपको सबसे पहले पूरा चैप्टर एक बार रीड करना बहुत ही जरूरी है। सो थैंक यू वेरी मच।